क्लास 10 की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे सामने, जिसमें कह रहा है एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स। एक आर्मी कंटिजेंट है हमारी जिसमें हमारे 616 मेंबर्स हैं, इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड। उन्हें मार्च करना है एक आर्मी बैंड के पीछे, जिसके आर्मी बैंड के मेंबर्स कितने हैं 32 मेंबर्स एक परेड में, ठीक है। द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम। दो ग्रुप्स में मार्च करना है जिसमें सेम नंबर ऑफ कॉलम्स की संख्या जो होगी वो इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च। तो हमें ये बताना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होंगे, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा कितने कॉलम हो सकते हैं जिसमें वो मार्च कर सकें। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए हमें फाइंड करना होता है एचसीएफ। एचसीएफ किसका, उनके जो भी मेंबर्स हैं दोनों तरह के उनके लिए। तो वी हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन, यहां से शुरू होता है हमारा, वी हैव टू फाइंड एचसीएफ ऑफ 616, 616 and 32। तो एच सी एफ फाइंड करने के लिए हम यूज करेंगे यूक्लिड डिवीजन का। तो एज पर यूक्लिड डिवीजन, एज यूक्लिड डिवीजन क्या होता है हमारा, ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस में आर, वेर ए हमारा क्या होता है, ए इज अ डिविडेंड, बी हमारा होता है डिवीजर, क्यू इज अ क्वोशेंट एंड आर रिमाइंडर, ठीक है। तो इसी फॉर्म में हम लिखते चलेंगे, आसान तरीका बनाते हैं, ठीक है। तो हम जो हमें पता है 32 स्मॉलर देन 616, तो जो बड़ी वैल्यू होगी उसको डिविडेंड रख लेंगे और छोटी वैल्यू से हम उसको डिवाइड कर देंगे। तो 616 डिवाइड बाय 32, तो 32 डिवाइड करते हैं, 32 वन जा 32 माइनस करेंगे, इधर से कैरी ले लेंगे 11 में से 2 को माइनस करेंगे 9, और इधर बचेगा हमारे पास 5 में से 3 को माइनस करेंगे 2, 6 आ जाएगा हमारा नीचे, ये आ गया। अब 32 9 होता है हमारा 288, ठीक है, 288 फिर से माइनस करेंगे, 296 में से 288 को माइनस करेंगे, इधर आ जाएगा हमारा कैरी ले लेंगे, 16 में से 8 माइनस करेंगे तो 8, और इधर भी हमारा क्या बच जाएगा फिर, अगर उसने उसको कैरी दे दिया तो 8 यहाँ पर बचा, 0 आ जाएगा, और 2 में से 2 को माइनस करेंगे 0, मतलब हमारा 8 ही बचेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ 616 को कैसे लिख सकता हूँ, 616 इक्वल्स टू 32 डिवीजर मल्टीप्लाई में क्वेश्चेंट, क्वेश्चेंट हमारा क्या है 19 प्लस में रिमाइंडर, रिमाइंडर है हमारा 8, ठीक है। इस फॉर्म में यूक्लिड डिवीजन की फॉर्म में लिख दिया मैंने इसे। अब क्या करेंगे, हमारा जो डिवीजर था उसको हम बना देंगे डिविडेंड, यहाँ पर ले आएंगे और हम उसे रिमाइंडर से डिवाइड, तो यहाँ आ गया हमारा 32 8 4 32 और हमारा रिमाइंडर आ गया 0। अब 32 को भी इसी फॉर्म में लिखेंगे हम यूक्लिड डिवीजन की फॉर्म में, तो 32 इक्वल्स टू 8 मल्टीप्लाई में 4 प्लस में 0। तो एचसीएफ क्या होगा हमारा, एचसीएफ ऑफ 616 and 32 इक्वल्स टू, एचसीएफ क्या होगा हमारा, जो लास्ट स्टेप होगा हमारे, यहाँ पर कितने स्टेप हुए, फर्स्ट और सेकंड, और लास्ट स्टेप कौन सा था हमारा, ये वाला 32 वाला। लास्ट स्टेप में जो भी हमारा डिवीजर होगा, डिवीजर हमारा 8, या फिर यहाँ पे देख सकते हैं आप डिवीजर हमारा 8, वही हो जाएगा हमारा एचसीएफ, ठीक है। तो 8 जो होगा इसका आंसर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि द आर्मी आर्मी कैन मार्च इन 8 कॉलम्स, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि आर्मी जो है वो 8 कॉलम्स में मार्च कर सकती है, जिसमें, ठीक है, 8 कॉलम्स। तो यही फाइनल हमारा आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन होता है हमारा कंप्लीट।